दीवान कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं कन्या करने वाली हूँ, तो अभी मैं आई हूँ कन्या करने के लिए। तो अभी हम ले रहे हैं गरम गरम जलेबी, जो कि अजीत जी सिखवा रहे हैं उसे गरम गरम। और ये आयान, हम दोनों ने मैचिंग वैचिंग पहना है। आयान के पापा ने भी थोड़ा सा मैचिंग कर लिया है। तो जलेबी ले लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। और आज फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि ना बहुत दिनों से सोच के रखा था कि कन्या करेंगे, लेकिन वही है ना कि जब जिस मुहूर्त में जिस टाइम में जो चीज़ होती है ना फिक्स पहले से, वो उसी टाइम पर होती है, चाहे आप कितना भी सोच लो। तो बहुत दिनों से सोच के बैठे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज अष्टमी है, तो आज कन्या करने का सोचा है। तो माता रानी की कृपा है और मेरा फास्ट भी है, तो फिर आज हम कर दे रहे हैं। और ये है आयान। आयांश, आयांश हेलो बोलना, हेलो बोलो, हेलो। तो हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहन के रखा है। और अभी फ्राई हो रही है उधर जलेबी, इधर जलेबी बोलते हैं अपने यहाँ, जलेबी बोलते हैं। तो वो जाती हैं फ्राई और ले लेते हैं, फिर हम जाते हैं कन्या करेंगे, दर्शन करेंगे माता रानी के। तो हम दर्शन करेंगे तो आपको भी करवाएंगे। तो चलिएगा, फटाफट से चलते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये मैं अष्टमी को कन्या कर रही थी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने जलेबी की कन्याएं करी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जब भी कन्याएं करती हूँ ना, तो मैं ऐसे लोगों को चूज़ करती हूँ, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कन्याओं में दावत देते हैं जो कन्याएं मतलब सक्षम नहीं है कुछ चीज़ लेने में, या फिर उनके माता पिता गरीब हैं, तो वो पता उनको खिलाओ ना खाना पीना, तो वो बहुत दिल से खाती हैं। तो यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और जिन जो मतलब हमारे बराबर हैं, हम कभी ऐसे नहीं करते जो हमारे बराबर है या हमसे हाई लेवल पे है। कन्याएं तो कन्याएं रहती हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वो लोग तो सक्षम रहते हैं ना, उनके माता पिता खिला सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ही चूज़ करती हूँ। और जब भी मैं कन्या करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ जहाँ बिल्डिंग बन रही होगी ना, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, और जो छोटी छोटी लड़कियाँ रहती ना, उनके दिल पे अगर उनको बोलो ना प्रसाद देना है या खिलाना है, तो इतनी मतलब अच्छी स्माइल आती है ना, तो उसको देख के एकदम मन एकदम खुश हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सफल हो गया। तो इसलिए मैंने इधर आई थी, मैं बिल्डिंग बन रही थी उधर ही मैंने बोला कन्या करनी है, तो और गरम गरम जलेबी बनवा के ले गई थी मैं, तो इतनी खुश थी ना, आप देख सकते हो सामने। और जब से ये कोविड चला है ना दुश्मन, तो तब से कोई मतलब बराबर के बच्चे को जो हमसे बराबर क्लास में है ना, उनको अगर कुछ प्रसाद भी दे दिया ना, तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं कोविड तो नहीं है, कहीं कुछ मिला के तो नहीं दे दिया। वो क्या, हम लोगों को भी अगर हमको भी कोई देगा ना, तो हम भी ऐसे नहीं लेते हैं अनजान लोगों से। और छोटे छोटे मतलब शहरों में मिल जाती है, और हमारे गांव में मिल जाती हैं कन्याएं, लेकिन बाहर बड़ी सिटी में नहीं मिल पाती है ऐसी, बाहर लड़कियां कोई भेजता नहीं है किसी के घर पर। तो इसलिए ये मैं कन्या कर रही थी, और दिल से कि बहुत खुश थे ये लोग। और उसके बाद हम लोग इधर आ गए कालका देवी मंदिर। और नवरात्रि में ज़रूर आती हूँ मैं, कुछ मतलब रीज़न हो जाए, या फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था तब मैं नहीं आई थी, लेकिन वैसे नवरात्रि में मैं ज़रूर आती हूँ। तो इधर अष्टमी के दिन बहुत भीड़ थी, और ये माता रानी है, कालिका देवी हैं, और सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है। तो ये मतलब बहुत भव्य मूर्ति है उनकी, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको अंदर देखने को मिलेंगी, मतलब ऐसा लगता है ना कि इनको देखते ही रहो। और पता है इतनी भीड़ थी, फिर भी मैं ना 10 मिनट तक उधर साइड में खड़ी रही, और मतलब ऐसे ही माता रानी को देखती रही, मन ही नहीं हो रहा था जाने का। वो देखो लाल साड़ी में दिख रही ना जो पागल सी, वो मैं ही हूँ। और मैं उधर पुष्पा जी ने दर्शन कर लिए थे, वो साइड में हो गए थे, और मैं उधर ही खड़ी रही। मैंने कहा मैं जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी,
और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। कोविड का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, मास्क पहनना है तो पहनिए, नहीं पहनना तो कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर मैंने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, प्रसाद वगैरह सब मिल गया था। फिर हमने ये परिक्रमा लगाया। और पता है मैंने ये सोचा था कि पहले दर्शन करेंगे उसके बाद कन्याएं करेंगे, लेकिन फिर वो अंधेरा हो रहा था तो इस वजह से मंदिर तो हम शाम को भी मतलब रात में भी जा सकते, कन्या कहाँ ढूंढेंगे और हमें पता भी नहीं था कि कहाँ मिलेंगी, लेकिन वो अचानक से एकदम से मिल गई और माता रानी की कृपा थी। और पता जब ऐसा रहता है ना कि कुछ भी काम को अगर आप सोचोगे और उसका मुहूर्त नहीं है, वो टाइम सही नहीं है, तो आप सोचते ही रह जाओगे लेकिन वो होगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी मतलब सब चीज़ ला के रख लो लेकिन नहीं होगा वो काम। और अगर उस चीज़ का टाइम आ गया या कोई मतलब जो काम तुमने सोचा भी नहीं है कभी और उसका टाइम है, भगवान ने लिख के रखा है कि तुमको ये करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपको सारे मतलब जहाँ जहाँ से वो सामान आएगा, जहाँ जहाँ से जो जो रास्ता है उसकी सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो वही सेम मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत पहले से कन्या सोची थी कि मैं करूँगी लेकिन हो ही नहीं पाया यार, मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हो ही नहीं पा रहा था। फिर कुशवा जी ने बोला चलो कन्याएं करनी है और एकदम से फटाक से हो गया। तो जब जिस चीज़ का टाइम होता है ना वो उसी टाइम पर होता है, चाहे आप कितनी भी सोच के रखो, कितना भी कर लो ना, यहाँ तक कि भंडारा भी करोगे ना और अगर नहीं होने वाला होगा ना तो वो होगा नहीं, चाहे आप लिख के रख लो कुछ भी कर लो होगा ही नहीं। तो माता रानी की कृपा थी और दर्शन हो गए। आप लोग देखो पास से देख सकते हो, ये दर्शन कर सकते हो। बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अयांश भी बहुत मस्ती करता है और सब लोगों ने दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैंने जलेबी का स्वाद नहीं ले पाया, तो आज मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और तो आज मैंने जलेबियाँ खाई, लेकिन ऐसा लग रहा था सच में आज की बनी है, मतलब इतना स्वाद था ना उन जलेबियों में, तो बहुत अच्छा लगा। और ये अयांश देखो भाग रहा है, इसको तो ना फ्री छोड़ दो बस। तो ये ऐसे ही घूम रहा है और घूमने के बाद अंधेरा हो गया था। फिर हम लोगों ने कहा कि कुशवा जी ने तो बोला कि थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, इनके लिए भी खाना बनाना था, मैंने कहा आपके लिए भी खाना बनाना है। और शाम हो गई, 8 बज गया तो अभी लेट हो गया, तो फिर चलो फिर हम लोग निकल आए थे जल्दी से। और अयांश भी परेशान हो जाता है क्योंकि ना उसको घूमना अच्छा लगता है लेकिन परेशान भी हो जाता है तुरंत, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब रिस्की नहीं लेते हैं, रिस्की काम नहीं करते हैं ज़्यादा। और अभी देखो अयांश परेशान कर रहा है मुझे, और ये देखो इधर भी परेशान कर रहा है, ये बैठ गया ना ऐसे गुस्सा होके, मैंने बोला तो फिर देखो कैसे चल रहा। और इधर शनि भगवान का मंदिर था तो मैंने कहा लाओ शनिवार है तो दर्शन कर लेते हैं। फिर हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद आगे देखिएगा, एंजॉय करिएगा आप लोग। ये सूज पिना रहे हैं अयांश को, और इसकी एक गंदी आदत बहुत हो गई है कि मतलब अभी छोटा है या बच्चा है पता नहीं, लेकिन कोई भी कुछ भी चीज़ अगर पकड़े है ना तो बोलता है दे दे, ये आदत बहुत गंदी है इसकी, तो ये मुझे छुड़ानी है। और ये पता नहीं कब तक छोड़ेगा क्योंकि ना वो हर किसी से मांगने लगता है, ये बचपना है क्या है ढीठपना है, तो ये सबसे मांगने लगता है दे। तो एक आंटी थी इधर ही खड़ी थी तो उनसे बोल रहा है दे दे, लेकिन वो बेचारी अपने काम में मस्त थी तो उन्होंने सुन नहीं पाया, तो इसका यही प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये आदत इसकी भुलानी है। और ये देखो मस्ती कर रहा है, तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। और अयांश अभी रो रहा है क्योंकि उसको चाहिए दूध, है ना। अपनी न्यू बॉटल दिखाओ आके सबको, कहाँ है आपकी बॉटल, लेके आना बच्चा लेके आओ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दर्शन करके और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। और अयांश के पापा की टीवी चालू हो गई है क्योंकि आज आ रहा है, शनिवार है ना तो इस वजह से। और अभी मैं करूँगी अयांश के लिए दूध गर्म क्योंकि वो बहुत देर से रो रहा है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है माता रानी के दर्शन करिएगा, माता रानी सबका भला करती है, माता रानी सबका भला करे उसके बाद हमारा भला करें। तो चलिएगा फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय। अरे हाँ सॉरी, अंश को भी दिखाना है, अंश बाय करना, बाय बाय बाय, टेक केयर।